वालेकुम, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। यू लुकिंग सो गॉर्जियस। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। अगर आई रियली लाइक योर आउटफिट, बहुत अच्छे लगे हमेशा से, आप बड़े अच्छे लगती है। ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन दोनों बहुत। समर जाफरी, आशिर जाफरी, आशिर वजाहत इस पे आदि है। इसमें आशिर बहुत अच्छा काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ दो बहुत बड़े नाम जुड़े हुए हैं, नबील कुरैशी और फिजा का। एंड कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड आई नो दैट के अगर उन्होंने 90s की बात की है तो उस एरा में हमसे क्या क्या गलतियाँ होती हैं वो सब सामने आ जाएंगी। लेकिन ये मैसेज बहुत अच्छा होगा, बट फुल ऑन एंटरटेनमेंट पैकेज होगा। मुझे लगा मजे की होती फिल्म भाई बनानी ही। Very true. जब आप बात करते हैं नबील की तो आपको पता है exactly. नबील की वजह से ही नहीं, आशिर और समर बहुत अच्छा काम करते हैं। आशिर को हम सब जानते हैं, समर का हमने काम देखा है। सो इसमें ये बात कहते हैं, बाकी सारे लोग इसमें जो है सबके सब बहुत मजे हुए आर्टिस्ट हैं। जहाँ तक कॉन्टेंट को संभालते लेकर चलने वाली बात है तो फिर नबील नोज की किस तरह बात कर रही है और क्या लेकर, स्टोरी टेलिंग उन पर खत्म है। अच्छा, आप फिल्म में क्या देखते हैं, क्या कंटेंट देखती हैं? म्यूजिक देखती हैं, कंटेंट देखती हैं, या परफॉर्मेंस देखती हैं, या एक्टिंग देखती हैं? देखिए, फिल्म जो बनती है ना वो इन सारी चीज़ों से मिलकर बनती है। Yes. आप एक फिल्म बनाएं और उसमें गाना ना हो, म्यूजिक ना हो, तो इंसान को करके देखता है क्या होगा। बट नहीं, आप सारी चीज़ें देखते हैं, म्यूजिक बहुत आगे रखा है, क्योंकि म्यूजिक एक्चुअली बहुत सारी जगहों पर हमारी स्टोरी को आगे बढ़ा रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, बट अगर आपका कॉन्टेंट स्ट्रॉन्ग और आपके एक्टर स्ट्रॉन्ग है आप उठ के नहीं जाने वाले। That's very और true. आप टिकट खर्च के वापस आने वाले इंशाल्लाह। ये बताएं आपके कैसे व्हाट्स इन योर लाइफ, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या कर रही हैं उसको? हाँ, क्या कर रही हूँ, बहुत कुछ कर रही हूँ। लाइफ के दो प्रोजेक्ट्स हैं, इसका एनजीओ पे प्रोजेक्ट ऑन एयर था, दाव खत्म हुआ है, बेहद चल रहा है। Yes. तो ये चीजें हैं। अभी आप MD पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट देखने जा रहे हैं, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। ईद मुबारक कहना चाहूंगी सबको, दिल से ईद मनाइए, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि किसी की दिल आजारी मत हो। और देखिए, याद रखिएगा, जाया नहीं करनी कोई भी चीज़। बहुत सारे बैठे हैं टैमों के अंदर, उनके पास खाने को कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है मोस्टली हम सब ने काला इसीलिए पहना है। हम खुश जरूर हैं, ईदें जरूर मना रहे हैं, इवेंट जरूर कर रहे हैं, नबील भाई दिल हमारे जरूर उन लोगों के साथ है जो अपने घरों से निकल रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।